सवाल पूछने वाले पत्रकार खुद सवालों के घेरे में हैं। संजय, रास्ता कहां से निकलेगा? देखिए, रास्ता तो पत्रकार ही निकाल सकते हैं। इसका सरकारी कोई नियम कानून नहीं बनाया जा सकता। जनता अपने विचार व्यक्त करते रहेगी। जो सर्वे बता रहा है, पत्रकारिता जगत में क्या आपको लगता है कोई चिंतन है, कोई चिंता है इस बात को लेकर कि भाई हमारा भरोसा कम होता जाए? मुझे लगता है संदीप, चिंता है, लेकिन जिनको चिंता है उनकी तादाद कम, उनकी संख्या कम है, और बड़ी संख्या में लोग स्टारडम पाने की होड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो चिंता है, लेकिन चिंता करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, संख्या बहुत। विनोद, एक लाइन में आगे की राह पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए? नहीं, आगे की राह साफ है, स्पष्ट है कि देखिए, पत्रकारों को तय करना है, वो तथ्य और सत्य के साथ रहना है, और उन्हें ना सरकार का प्रवक्ता बनना है ना विपक्ष का प्रवक्ता बनना है, और दोनों से सवाल पूछने हैं। राकेश, देखिए, अल जजीरा की पत्रकारिता भी चल रही है, बीबीसी की पत्रकारिता भी चल रही है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की पत्रकारिता भी चल रही है। भारत भी पत्रकारिता को रास्ता दिखा रहा है, और इस मामले में किसी पत्रकार की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों को ध्यान रखना चाहिए। आप तो आपस में इधर उधर चले जाओगे, कल को भाजपा वाले भाजपा में, सपा वाले कांग्रेस वाले, बसपा वाले में, ये सब अपना अपना पाला बदलते रहेंगे। पत्रकार पर उंगली उठा करके आप भाग नहीं सकते। आपको सुनना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है, सबका अपना स्वतंत्र विचार है, सुनिए। छोटा जवाब मांगा था मैंने। आशुतोष, राह क्या है आगे के लिए? जब तक ये सरकार है तब तक पत्रकारिता की उम्मीद मत करिए आप। प्रभु, आगे के लिए पत्रकारिता की राह क्या करना होगा, या कुछ करने की जरूरत नहीं? छोटा सा जवाब। देखो जी, ये कोई नई बात नहीं है, हर सरकार हमेशा दबाव बनाती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे झेलते हैं। अब मेरा ये है, आगे का ये है कि पत्रकार खुद न्यूज़ में नहीं रहने चाहिए। दे शुड नॉट बी न्यूज़ मेकर देन हेडलाइंस, दे शुड बी न्यूज़ गिवर्स। जब पत्रकारिता खबरें देना शुरू करेंगे, वही काम, पत्रकार खुद सुर्खियों में नहीं रहने चाहिए, जो आजकल फैशन है कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, मेरी पॉपुलरिटी कहाँ है। पॉपुलरिटी कंटेस्ट में पॉलिटिशियन की तरह पत्रकार बंद कर दें, तभी आगे की पत्रकारिता चलेगी। तो हमारा काम खबर देना है, खबर बनना नहीं है। और ये जो बीमारी लग गई है पॉपुलैरिटी की, और जो सुपरस्टार बन गए हैं और सुपर एंकर्स हर न्यूज रूम में सीना फुलाए घूमते हैं, उस चलन से हमें बचना होगा। आप सभी का बहुत बहुत फैशन परेड नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है, और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।